नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार सरकार लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योजनाएं बनाती रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक बड़ा रुख अख्तियार किया है। इसमें बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कही गई है। सामान्य प्रशासन के द्वारा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जारी निर्देश में बताया गया है कि प्रथम से लेकर तृतीय वर्ग के कर्मियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को इस प्रावधान से अलग रखा गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कई लोगों ने इसको लेकर जानकारी अधूरी दी थी, जिससे संपत्ति वास्तविक जानकारी सही तरीके से सामने आ पाती है। इसके बाद सामान्य प्रशासन ने कई ऐसी बातों का अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि संपत्ति का ब्यौरा जारी करने वाले पदाधिकारियों को अपनी या अर्जित या फिर विरासत में या फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम से जारी संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टे या फिर बंधक पर उनके द्वारा ली गई जमीन जायदाद के बारे में भी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। परिवार के किसी सदस्य अपने नाम पर लिए गए शेयर, डिबेंचर, निष्पक्ष पत्र समेत बैंक में निवेश के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही इन कर्मचारियों पर किसी भी तरह का कर्ज है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसकी पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। बिहार सरकार के कर्मचारियों को अब 30,000 से कम की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा एक साथ जोड़कर दिखाना होगा। इसके साथ ही कपड़े, बर्तन और किताबों और दैनिक इस्तेमाल की चीज़ों को भी इसके तहत शामिल कर लिया गया है। सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार सरकार के कर्मचारी अब जानकारी दिए बगैर कोई भी अचल संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे। इसके साथ ही एक अन्य मामले में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी कर्मचारियों के घर में बच्चा अगर पैदा होने पर प्रसव का खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। ये सहायता पहले 2 बच्चों तक सीमित होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अब तक ये सुविधा अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों को मिलती थी, अब बिहार सरकार ने सुविधा अपने कर्मियों को भी देने का उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि नॉर्मल और सिजेरियन दोनों डिलीवरी के समय यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों को भी नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला जमीन के खरीदों के तहत देने वाले और बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के वक्त भी म्यूटेशन हो जाएगा। बिहार में जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए जमीन के खरीद को अलग से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन होती थी। नई व्यवस्था में जमीन की रजिस्ट्री होते ही खरीद बिक्री की सारी जानकारी अपने आप अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा। फिलहाल इस सुविधा का लाभ उन्हीं खरीदारों को मिलेगा जो जमाबंदी और प्लॉट खरीदेंगे। यानी कि अगर आपके पास किसी ऐसे बारिश से जमीन खरीदे हैं जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है, तो आप पुरानी व्यवस्था से ही म्यूटेशन करवाना होगा। नई व्यवस्था की शुरुआत 31 मार्च को विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार करेंगे। बिहार सरकार लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योजनाएं बनाती रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने एक बड़ा रुख अख्तियार करते हुए बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कही है। तो ये थे बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।